डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का मंथली इनकम और टिक मार्क करके आपको नीचे जाके कंटिन्यू के बटन पे टैप कर देना है। फिर अगर आपको रेफरल कोड मिला है तो दे सकते हो, नहीं मिला तो स्किप दिस टैप पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको ना दोबारा से पूरा नाम जो कि आप डालना हो वो डाल, यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका पूरा नाम शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका लोन पाव यूट्यूब चैनल में, और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से एक लोन ऐप के माध्यम से आप लोग को इंस्टेंटली लोन मिलने वाला है। और जो लोन है वो मिलेगा तकरीबन तकरीबन आपको 1-2 लाख के आसपास में मैक्सिमम लोन है, लेकिन ये आपको लोन जो है आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी में मिलेगा। ये जो लोन लेने का पूरा प्रोसेस है बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपको सब चीज समझ में आने वाली है कि इस लोन ऐप से लोन कितना मिलता है, लोन कैसे अप्लाई किया जाता है, अमाउंट कितना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। अगर आप सैलरीड हो तो ही क्या आप इस लोन को ले पाओगे, अगर आप सैलरीड नहीं हो, कोई काम नहीं करते हो दूसरे का, अगर कोई बिजनेस वगैरह है तो ऐसे केस में क्या आप लोन ले पाओगे, क्या आप स्टूडेंट हो तो भी आप ये क्या लोन ले पाओगे, ऐसे तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आशा रहेगी कि इस वीडियो आपको पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करेंगे जरूर ऐसे कमाल की वीडियोस को देखते रहने के लिए। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो ये हमारी वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे टैप करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप सीधा जिस लोन ऐप के बारे में मैं बताने आ रहा हूँ वहां पे आप डायरेक्टली अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर को खोलो, वहां पे जाके आपको सिंपली उस एप्लीकेशन को सर्च करना है और सीधा आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो ये तो बहुत सिंपल मेथड हो गया, हर कोई फॉलो कर सकता है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे एक वेबसाइट लिंक मिलेगी, इस वेबसाइट लिंक पे आपको सिंपली तरीके से क्लिक कर लेना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम इस वेबसाइट पे क्यों आए हैं, तो यहाँ इस वेबसाइट पे आने का सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे जिस लोन ऐप से हम लोन लेने वाले हैं वो लोन ऐप तो मतलब इंस्टॉल तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही में उस लोन ऐप से लोन कितने लोगों ने लिया है, कैसे लोन लिया जाता है, उसके लोन लेने का क्या प्रोसेस है, क्या माध्यम है, वो सब कुछ सारी जानकारी आपको इसी आर्टिकल में मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ऐप लोन पे जाना है क्योंकि हम लोगों को एक एप्लीकेशन से ही लोन लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारे कंटेंट मिलेंगे, इसके मध्य में आपको जो है सर्च के बटन पे जाना है, क्योंकि देखो जिस लोन ऐप से आप लोग लोन लेने वाले हो उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जिस लोन ऐप से हम लोन लेने वाले हो, उस लोन ऐप का नाम है स्मार्ट कॉइन, आपको सिंपली डालना है सर्च करके। और इसको अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दो, इसको आप ऑलिव नाम से जानते होगे। आप गूगल प्ले स्टोर पे स्मार्ट कॉइन सर्च करो या ऑलिव सर्च करो, आपको डेफिनेटली ये जो है आर्टिकल मतलब कि ये वाली ये जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगी। हम तो खैर आर्टिकल पे इसलिए आए ताकि आपको जानकारी भी मिल जाए और लोन भी आपको मिल जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आर्टिकल ओपन हो चुका है, इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की। तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को इंग्लिश पढ़ने में या फिर अन्य भाषाओं को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हिंदी में आप इसको जरूर से ट्रांसलेट करके पढ़ लेना, क्योंकि आपको सच में पता चलेगा कि ये लोन ऐप क्या है और कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे जानकारियां हैं। सबसे पता चलेगा कि ये लोन ऐप क्या है, इस लोन ऐप से लोन कितने दिनों में लिया जा सकता है, जैसे आप देख पाओगे आपको ब्याज दर कितना पे करना पड़ेगा, यानी क्या इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, ऐसे क्या क्या दस्तावेज है जो आपको देने पड़ेंगे लोन को अप्लाई करने के लिए, ऐसे तमाम सारी जानकारी आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस आर्टिकल को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपके सामने आपकी सारी जानकारी बैक टू बैक क्लियर हो जाए। इसके बाद अब बारी आती है लोन को आवेदन करने की। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के सॉरी क्या कहते हैं आर्टिकल के अंदर ही जो है एक विजिट का लिंक मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको जो है ये देखने को मिल रहा है, ये आपके सामने एक विजिट का लिंक है। इस विजिट के लिंक पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही आप लोग सीधा पहुंच जाओगे अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में। ये मुझे बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि गूगल प्ले स्टोर क्या काम कर रहा है और आप लोगों को यहाँ पे क्यों आना है। तो सबसे पहले आपको ऑलिव करके एप्लीकेशन मिलेगा, इसको आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। रिव्यूज के बारे में देखा जाए तो 3,22,000 से लोगों ने आज तक रिव्यूज दे दिए हैं, और 4.6 की रेटिंग की एवरेज है, और 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड भी किया हुआ है, यानी 1 करोड़ तक हो गया। तो समझो कि अगर 1 करोड़ लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है तो डेफिनेटली उनमें से जो है कितने ज्यादा मेजोरिटी लोगों को लोन मिला होगा। जब तक आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, हम थोड़े से एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो लोन है आपको मैक्सिमम जो है इंस्टेंटली 5 लाख रुपए तक का ऐसे तो लोन देने का काम कर देगा, और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरोसा किया हुआ है, आरबीआई रजिस्टर्ड है ये एप्लीकेशन, और कोई यहाँ पे सिक्योरिटी आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ पे कोई जमानत करने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क की भी जरूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन और सारा काम विदाउट सिक्योरिटी होता है। लोन चुकाने के समय की मैं बात करूं तो कम से कम आपको 2 महीने तक का समय मिल जाएगा लोन को चुकाने का, और ज्यादा से ज्यादा आपको 24 महीने यानी 2 साल तक का समय मिल जाएगा। बाकी एपीआर रेंज जो है 30-90% के बीच में होता है। अब अगर आपने इतने में सब कुछ समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको लग रहा हो कि यार मतलब ये तो वही जानकारी जैसा नहीं हो गया बहुत, तो चलो इसको थोड़ा सा अपने
हिसाब से और कितना लोगे और क्या आपको देना पड़ेगा इस हिसाब से समझते हैं। मान लो 2 लाख तक का, 5 लाख तक का लोन है, पर मान लो कि आप 65,000 का लोन लेते हो, जिसपे आपको पहले बता दो चार्जेस भी लगेंगे, प्रोसेसिंग फीस आपको कटता है, 3% आपका लोन अमाउंट का जाएगा और उसमें 18% जीएसटी जोड़ के आपका 2,301 रुपए कटेगा। ये कब कटेगा? जब आपको, आपने मान लो 65,000 का लोन अप्लाई किया है, तो उसी 65,000 में से या तो इनिशियली कट जाएगा, ठीक है, और या तो जब आप लोगों का जब पैसा देने पे जाओगे तो उसमें वो चार्ज ऐड कर जाएगा। दोनों में से कभी भी ये कट सकता है, या तो आपको पैसा मूलधन का मिल जाए तब, या तो जब आप पैसा वापस करने जाओ तो ये चार्ज उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो देख सकते हो आपको जो टोटल लोन अमाउंट है वो यहाँ पे आपको जो है टोटल लोन अमाउंट आपका वैसे तो 65,000 का था, लेकिन हो कितना गया 2,301 मिलाकर अब हो गया 67,000 का। लेकिन ये यहीं पे नहीं हुआ, अभी और देखो। इसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा कम से कम 3% पर मंथ के हिसाब से आप जोड़ लो, और 9 महीने के लिए अगर आपने इस लोन को लिया हुआ है तो आपका हर महीने का जो ईएमआई है वो बनता है 8,349 रुपए का। अब सवाल ये बनता है कि आपको पैसा कितना पे करना पड़ेगा। तो आपका जो टोटल अमाउंट आपको पे करना है वो यह है, 65,000 का लोन लिया और आपको 75,132 रुपए पे करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट पे किया वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपने 7,831 रुपए इंटरेस्ट पे किया है और ये वाला भी इंक्लूड इसके अंदर ही हो गया। तो इस वजह से आपका जो टोटल यहाँ पे जो अमाउंट है वो 65,000 का लोन लिया लेकिन 75,132 रुपए आपको 9 महीने के बाद पे करना पड़ता है। कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे पैसा दे रही है? तो देखो ये सारी कंपनीज है और सारी सारे अप्रूव्ड कंपनीज है, अच्छे खासे इनका जो है अच्छे रेपुटेशन है और काफी सारे लोगों को लोन देने का काम भी इन्होंने किया हुआ है। तो आशा है कि समझ में चीजें आ गई होंगी। अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर लिया, ओपन करने के साथ ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा, जहां पे आपके सामने एप्लीकेशन ओपन है स्मार्ट कॉइन ऐप की। सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको कंफर्म के बटन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना होगा, जैसे कि आपके जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का मंथली इनकम और टिक मार्क करके आपको नीचे जाके कंटिन्यू के बटन पे टैप कर देना है। फिर अगर आपको रेफरल कोड मिला है तो दे सकते हो, नहीं मिला तो स्किप दिस टैप पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको ना दोबारा से पूरा नाम जो कि आप डालना हो वो डाल, यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका पूरा नाम शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, पैन कार्ड नंबर आपको डालना है और इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर टैप कर देना है। ये चीज करने के साथ ही आपको लोन ऑफर शो करेगा और यहाँ पे आपका नाम भी शो करेगा जो कि मैंने हाइड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको चेक लोन ऑफर पर क्लिक करना होगा, देन इसके अंदर आपको जो है कुछ परमिशन वगैरह को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो क्रेडिट हेल्थ बता देगा कि क्या है और फ्रेश कर सकते हो इसको, ठीक है, वन टाइम रिफ्रेशिंग 19 रुपीज के टैप से हो सकता है। ये सब चीजें पता चलने के बाद अब बारी आती है लोन को कैसे लेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, आपको वर्क डिटेल्स डालनी पड़ेगी। मान लो आप एम्प्लॉयमेंट में सैलरी डी हो, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को अच्छे से डाल के और बताना होगा कि पैसा कैसे मिलता है, कैश मिलता है, बैंक ट्रांसफर होता है या कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा बताकर। इसके बाद आपके यहाँ पे अगेन क्रेडिट स्कोर आपको दिखा देगा, ये मैंने हाइड किया हुआ है, तो ये आपको शो कर जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो है लोन देख सकते हो, लोन ऑफर्स अनलॉक्ड है 2,000 से 20,000 के बीच में। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, अब आपको कितना अमाउंट तक का लोन चाहिए, ये 2,000 के स्टार्ट शुरू होगा 20,000 तक, लेकिन ये मेरे केस में, आपके केस में आपका जो लोन ऑफर है वो 50,000 तक जा सकता है, 2 लाख तक जा सकता है, 5 लाख तक जा सकता है एज पर योर एलिजिबिलिटी। और यहाँ पे जो मंथली टाइम पीरियड है वो 5 महीने ही दिखा रहा है, मैंने वही चूज कर लिया है। इसके बाद जो है अप्लाई लोन पे मैं क्लिक करूंगा, इसका मैं बस 3 स्टेप और मुझे मेरा लोन मेरे बैंक खाते में मिल जाएगा, तो ओके प्रोसीड पे करूंगा क्लिक। इसके बाद मुझे जो है सबसे पहले सेल्फी अपलोड करनी है, फिर वेरीफाई करनी है केवाईसी को, तो एक्ट के आई एम रेडी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे टेक माई सेल्फी पे क्लिक करना है, फोटो क्लिक करके कैप्चर करके आगे प्रोसीड करना है। यहां मेरा जो है कैप्चरिंग वाला काम तो हो जाएगा। इसका मुझे अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करनी है, तो मुझे अपना आधार कार्ड जो लिंक्ड मोबाइल फोन नंबर है वो डाल के कंफर्म के बटन पे टैप करना है। इसके बाद ये रिडक्शन शुरू कर देगा, देन इसके बाद ये केवाईसी कंप्लीट करके ओटीपी डाल के मेरा केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज करने के साथ ही आपको दिखाएगा कि मेरा ईएमआई अमाउंट हर महीने का कितना होगा, कितने समय के लिए मैंने लोन लिया है, क्या इंटरेस्ट रेट पे मैंने लिया है, प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी लगा कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने इसको हाइड किया हुआ है, लेकिन जब आप लोग लोन अप्लाई करने जाओगे तो आपको ये सब शो करेगा। इसके बाद लोन अमाउंट आपको शो कर जाएगा, सारी चीजें हैं ही ऑलरेडी, कंफर्म एड्रेस प्रूफ पे जाना है, यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दिखेगा जो कि मैं कंफर्म कर देता हूँ। और इसका पर्सनल डिटेल्स में कुछ और चीजें जैसे कि रेफरेंस के तौर पे फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, ये सब मुझे डाल के आपको कंटिन्यू क्लिक करना होगा। देन सेम एज करंट एड्रेस पे, तो एड्रेस वेरिफिकेशन भी कम्प्लीट और लोन मेरा जो है अंडर प्रोसेसिंग में लग चुका होगा और कुछ टाइम के बाद मुझे मेरा पैसा मेरे खाते में भी मिल जाएगा। तो ये था बेहद एक बहुत छोटा सा प्रोसेस जिसके माध्यम से इस कमाल की लोन एप्लीकेशन से लोन लिया जा सकता है, और आपको मैंने तमाम वो सभी तरीके बता दिए हैं कि किस तरीके से लोन लिया जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स लिख के जरूर बताना।